फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी एक ट्रेंड इंडिकेटर और एक 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मिला के बनाई हुई है। काफ़ी बेहतरीन जो है स्ट्रेटजी है। इसका बैक टेस्टिंग जो है लाइव स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जहां से हमने बाय इनिशिएट किया और इसके क्या टारगेट आएंगे वो भी आपके स्क्रीन पे सामने शो होगा। अगर आप ये स्ट्रेटजी अवेल करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक। पूरा देखिएगा सारी सेटिंग्स, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें रिमूव करनी है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, कब इंट्री होगी, कब एग्जिट होगा, सब कुछ बताएंगे। बिल्कुल लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि जैसे हमने स्क्रीन पे जो है जो बाय इनिशिएट किया था उसमें 1436 का बैंक निफ्टी में जो है टारगेट जो है कैप्चर हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट सेटअप है। आइए जानते हैं कि क्या क्या सेटअप होंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिले। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो सारा सेटअप है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड ऑन करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें रिमूव करनी है, सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाकर दोस्तों दो इंडिकेटर सर्च करना है। फर्स्ट का जो नाम है वो टाइप करना है आपको स्विंग। जैसे ही आप स्विंग टाइप करेंगे दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आ चुका है स्विंग आर्म ट्रेंड इंडिकेटर, जो कि मैंने इसको एक फेवरेट में भी इसको सेलेक्ट किया हुआ है ताकि आपको बताने के लिए ईजी हो। तो इस तरीके से सबसे पहले आप इसको जो है सेलेक्ट करके और इसको आप प्लॉट कर लेंगे। इसको प्लॉट करने के बाद सेकंड जो इंडिकेटर आपको टाइप करना है दोस्तों वो है 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको टाइप करना है 3 EXPO। जैसे टाइप करेंगे तो आपको एक इंडिकेटर दिखाई देगा, इसका नाम देख लीजिएगा किसके द्वारा बनाया गया है। इसको यहाँ पर ऐसे आप इसको टैप करके और ऐड कर लीजिएगा। ये दो इंडिकेटर आपको ऐड करना है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब आइए इसकी सेटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्विंग वाले की सेटिंग करते हैं। सेटिंग में आपको जाना है, इनपुट में दोस्तों आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जो जैसे है वैसे रखिएगा, अदरवाइज आपको गलत इंडिकेशन मिलेगा। स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले जितने भी ऊपर के कलर्स हैं सबको अनचेक कर दीजिए। यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ की नीड नहीं है, तो आप इस चीज़ को फटाफट जो है यहाँ से अनचेक कर दीजिए और सबसे नीचे आ जाइए। जो प्लॉट बैकग्राउंड है इसमें सिर्फ एक को रखना है, इसका कलर हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया, आप ओके कर दीजिए। तो इसमें हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब हम आएंगे दोस्तों 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सेटिंग में। तो सबसे पहले आपको इनपुट को चेंज करना है दोस्तों, जो भी लेंथ है इसको आपको 32 करना है। और 32 करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं तो आपको दिखाई देगा क्लोज, लो, हाई, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आपको क्लोज करना है सबसे ऊपर, इसके बाद आपको नीचे जो करना है वो भी 32 रहेगा और उसको करना है दोस्तों आपको लो। इसको लो सेलेक्ट कर देना है, इसको भी 32 करना है, 32 करने के बाद इसको कर देना है हाई। अब आपके तीन चीज़ें हो चुकी है। आप अपने स्क्रीन पे एक बार रिकैप कर सकते हैं देख के, आप साथ में जो है सेटिंग कर सकते हैं देखते हुए। जो भी लेंथ होगा सारा 32 होगा, 32 डे का होगा, और इसके बाद क्लोज, लो एंड हाई, ये तीनों चीज़ें होंगी और उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। ओके कर दिया, ये जो है प्लॉट हो चुका है। अगर आप इसका चाहें इनपुट में कह रहे हो स्टाइल में जाके इसका जो है कलर चेंज कर सकते हैं, और कलर को चेंज करना भी ज़रूरी है। हम इसको जो है एक कॉमन कलर बनाएंगे। तो शॉर्ट ये में बेसिकली वो होता है दोस्तों जिसको आप 10 डे समझ सकते हैं। तो इसका कलर हम वाइट रखेंगे, अगर आपका वाइट बैकग्राउंड चार्ट है तो आप इसको ब्लैक रखिए। इसके बाद जो इंटरमीडिएट ये में है इसको हम लोग ग्रीन कलर रखेंगे, ठीक है, ग्रीन कलर रख के थोड़ा सा इसको कलर कर देंगे। इसके बाद जो लॉन्ग EMA है ये दोस्तों 200 EMA होता है, ये 200 EMA है, इसको भी हम लोग ग्रीन रखेंगे। दोनों का जो है कलर सेम रखेंगे, उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। बहुत ज़्यादा हमें कलर से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। अब हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब सेटिंग होने के बाद आपको कैसे इंट्री करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्री को हम लाइव में जो है बैक टेस्ट करके दिखाते हैं दोस्तों, और कब इसमें फेक सिग्नल आएगा तो कौन सा हमें इंडिकेटर जो है एक क्लियर कट इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर एग्जिट नहीं लेना है। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हम लोग लास्ट के वीक से जो है ऐड करना स्टार्ट किए थे कि लोअर लेवल पे आपको सेल नहीं करना है। अगर आपको चेक करना है तो आप हमारे चैनल पे जाके जो भी हमारी डेली की एनालिसिस आती है उसमें ज़रूर चेक कीजिएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो है एक बाई दिखा, बाई हमें कब करना है एग्जैक्टली। इसमें रिवर्सल ट्रेड बहुत अच्छा बनता है दोस्तों, बेसिकली हमने इसको रिवर्सल के लिए जो है फाइंड आउट किया है और रिवर्सल के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो अभी अगर आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखेंगे तो इसने ऊपर से जो है इसको ब्रेक जरूर किया था, लेकिन ये जो ग्रीन वाला जो नीचे का जो बैकग्राउंड है जो इसका एक तरीके से सपोर्ट होता है जो कि फेक सिग्नल से बचाता है, इसको इसने ब्रेक नहीं किया। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए टॉप पे बॉटम पे, वहाँ पे हमारे ट्रेड मिलते हैं। अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे बॉटम पे आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है तो हम वहाँ पे बाई के मौके खोजेंगे, सेल तो करने जाएंगे नहीं लोअर लेवल पे जब तक ब्रेकडाउन ना दिखे।
तो अगर यहाँ पे दिखता है कि ये ग्रीन वाले पे आके, यानी कि ये जो सपोर्ट है एक तरीके से इसका, इस पे आके रिवर्सल मार के और उसके बाद अगेन इन तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर आके निकल जाता है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा बाय इनिशिएट जो है क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा बाय जो है इनिशिएट होता है। तो अभी इस ग्रीन वाले कैंडल से हमारा जो है बाय इनिशिएट हुआ, जो कि था ट्यूसडे 28 मार्च को, हमने जो है यहाँ से इसको बाय जो है इनिशिएट कर दिया। अब इसका देखिए कि किस हिसाब से ये आगे गया है। अब जैसे ये लाइव मार्केट में जो है आप देख सकते हैं कि इसको ये जो है अपना आगे मोमेंट ले रहा है। अभी इसमें फेक सिग्नल भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसने जो है इस तीनों मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, लेकिन ये जो बैकग्राउंड है, ये जो सपोर्ट है, इसने हमें फेक सिग्नल से बचाया, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है, तब तक इसको कैरी ऑन करना है। अगेन हम इसको कैरी ऑन करते हैं एंड लेट्स सी कि कहाँ पे हमें एक सेल सिग्नल देता है। तो ये मार्केट मूव कर रहा है। अगेन देखिए, अगेन इसने यहाँ पे एक फेक सिग्नल जनरेट किया, इसने दो बार टाइम भी दिया, काफ़ी अच्छा टाइम दिया, लेकिन अगेन इसने इस ग्रीन बैकग्राउंड यानी कि जो हमारा सपोर्ट है इसको इसने ब्रेक नहीं किया। सो हमारा ये जो ट्रेड है अभी भी ऑन रहेगा बाई साइड से, हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट डे जो मार्केट है गैप अप हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप कैरी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कैरी कर रहे हैं तो मार्केट चूंकि यहाँ पे क्लोज हो रहा है उस दिन, तो आप इसको यहाँ पे बुक कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल सेफ ट्रेडर हैं तो आप ओपनिंग के साथ बाई कर सकते हैं, ये देखते हुए कि ये लो कम से कम ना टूटे। जहाँ पे आपने बुक किया है वही आपका रिवाइज एसएल होगा, वही आप रिवाइज एसएल बनाइए और वहाँ पे फिर से एंट्री कर लीजिए उसी का एसएल लगा के, ताकि अगर आपको लॉस हो तो सिर्फ और सिर्फ जो गैप अप का 200 पॉइंट है वो लॉस हो, अदरवाइज आपको टारगेट मिले। अगेन हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी ऑन करते हैं, तो देखिए अगेन कहाँ पे फेक सिग्नल आ रहा है। तो यहाँ पे इसने कहीं भी जो फेक सिग्नल नहीं जनरेट किया, ये ईएमए के ऊपर ही चल रहा है। जब भी फेक सिग्नल जनरेट करेगा दोस्तों, ये हमारा जो बैकग्राउंड है ना, ये हमें सेव करेगा, इसी के लिए हमने इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि अगर वो मूविंग एवरेज को ही नहीं ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ पे क्यों एग्जिट करेंगे, सिंपल सा रूल है। अब देखिए हमारा ट्रेड जो है क्लोजिंग बेसिस पे सक्सेस हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट में जो है 1352 पॉइंट हमें यहाँ पे मिला हुआ है बैंक निफ्टी में। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टॉप लॉस हमें किस हिसाब से प्लान करना है। तो बहुत ही सिंपल सा हमारा दोस्तों रूल होगा कि जब भी हम इसको ब्रेकआउट के लिए लोअर लेवल से या रिवर्सल के लिए ट्रेड लेंगे, तो अभी हमारा यहाँ पे ये बाय इनिशिएट हुआ, ओके। तो जैसे हमारा यहाँ पे जो है बाय इनिशिएट हुआ, जो हमारा बाइंग लेवल था 39,400 के आसपास, तो जो हमारा बाय हुआ, या तो यहाँ से आप ऐसा लगा दीजिए 100 पॉइंट का या 120 पॉइंट का, या आप इस बैकग्राउंड के नीचे ऐसा लगा दीजिए। ठीक है, सबसे सेफ एसएल होगा कि इस बैकग्राउंड के नीचे, ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करता है, तो आप यहाँ पे जो है एसएल अपना प्लेस्ड कर सकते हैं। टारगेट बुकिंग के लिए जब तक ये ग्रीन वाला न तोड़े तब तक सेल मत कीजिए। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं और आपको स्विंग के लिए प्ले करना है, तो जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाके और दोबारा एक अच्छा खासा जैसे 400-500 पॉइंट देने के बाद ये दोबारा इसके थर्ड वाले लेवल पे आ जाए, तो आप वहाँ पे एक बार एग्जिट कर सकते हैं। या अगर आपको राइज पे जो है दिखे कि 600 पॉइंट मिल गया, 500 पॉइंट मिल गया, अगर 400 पॉइंट मिल गया, तो मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। अगर आपका 100 पॉइंट कैसा हुआ और 400 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, तो आप यहां से जो है इसको बुक कर सकते हैं। अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं, आप इसको इमीडिएटली प्रॉफिट बांध लीजिए। तो ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम हम यहां पे लेंगे और इस हिसाब से हम इसमें एंट्री एग्जिट दोस्तों प्लान करेंगे। अभी अगर आप इसको 5 मिनट पर लेना चाहते हैं या 15 मिनट पर लेना चाहते हैं, तो रूल सेम होंगे दोस्तों। 5 मिनट पर क्या होगा कि आपका थोड़ा सा एसएल जो है बड़ा हो जाएगा और आपकी जो एंट्री होगी उसी हिसाब से होगी। इंडिकेशन आपको सिग्नल वाले जो मिलेंगे, रेड वाले, सेल वाले, वो कम मिलेंगे, ओके। अब एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक सेफ जो है एक व्यू देता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि बॉटम लेवल पे ये यहाँ पे रेड रेड बार बनाया हुआ है, तो कभी भी आप इधर एंट्री मत कीजिए, क्योंकि एंट्री देखिए हमेशा तब होगी जब आप ऊपर से जाके, ठीक है, ऊपर जाके और इसको ब्रेक करेंगे नीचे आके, और इसको जब आप ब्रेक कर लेंगे सपोर्ट को यानी कि ग्रीन वाले बैकग्राउंड को, और उसके बाद जब आपके सिग्नल्स ऊपर जो है दिखाई देने लगेंगे कि हाँ यहाँ से रेड जो है फॉर्मेशन होने लगा, आप इसके नीचे कंटिन्यू बनने लगे, तब जाके सेल कीजिएगा। अभी एग्जांपल डेट हमारा यहाँ से जो सेल लेवल था वो निकला हमारा यहाँ पे 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च को आपने जो है सेल किया। इसके बाद देखिए आपका जो सेल सिग्नल था जनरेट हुआ, मार्केट फटाक से जो है वहाँ पे गिर गया, काफ़ी अच्छा जो है वहाँ पे सेल सिग्नल दिया, एक बार रिवर्सल भी दिखा रहा है, लेकिन जो ऊपर जो ये इसका रेजिस्टेंस बन रहा है ना, उसको वो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है
तब तक वहाँ पे आप एग्जिट मत लीजिए, और जैसे उसको दिखे कि ब्रेक कर गया, जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेक कर गया है, तो आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन अगर इमीडिएटली फिर से नीचे आ जाए तो आप कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज अगर ब्रेक कर गया तो आप निकल जाइए। अगर आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप ये मॉनिटर करते रहिए कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर बनते रहना चाहिए। अब देखिए दोबारा जो है इसको यहाँ से ब्रेक किया इसके ऊपर और यहाँ से ग्रीन फॉर्मेशन होने लगा, तो ये जो लेवल था ये यहाँ पे हमें आपको लेना पड़ेगा एग्जिट यहाँ पे एग्जैक्टली 39,649 को। सेम दोस्तों ऐसे निफ्टी में भी वर्क करेगा, निफ्टी में भी हमें इसी हिसाब से जो है इनिशिएट करना है और इसी हिसाब से ट्रेड करना है कि जब भी नीचे से आके एक सपोर्ट लेवल पे बॉटम लेवल पे रिवर्सल मार के सपोर्ट नीचे फॉर्म होने लगा और तीनों जो मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है वो उसके नीचे स्टेबल हो गया, उसके बाद आप उसको बाई करके कंटिन्यू कीजिए। और जब तक रेड वाला उसके ऊपर न बनने लगे तब तक आप एग्जिट मत कीजिए, अपने पोजिशन को कैरी कीजिए। जहाँ पे रेड ऊपर बनने लगे वो आपका स्टॉप लॉस होगा, वहाँ पे आपको एग्जिट करना है। कभी भी फेक सिग्नल आएगा तो ये जो ग्रीन बैकग्राउंड है ये हमें सेफ करेगा, तब तक हम सेल नहीं करेंगे जब तक हमारा इस टाइप से सिनेरियो ना आए। अगर यहाँ पे ये सेटअप आ गया कि इसके ऊपर रेजिस्टेंस बनने लगा और ये इसको ब्रेक किया, यहाँ एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, तो ये ट्रेड हमारा यहाँ पे जो है एग्जिट हो जाता है और हम इसको प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर हम देखेंगे कि हमारी जो बाय एंट्री हुई थी और हमारे टारगेट के हिसाब से हमारा जो टारगेट सेटअप होगा पहले से, जो कि हमने सपोज कीजिए कि अगर 17,150 पे इसको एंट्री कर ली और हमें दिख रहा है कि 17,320-300 रुपये का लेवल जो है आ चुका है या 17,400 का आ चुका है, तो वहाँ पर इमिडिएटली आप बुक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये लेट सिग्नल देता है कि आपको टॉप पे जाके हो सकता है कि तब सिग्नल दे जब एक बार अच्छी खासी वहाँ पे 50-100 पॉइंट की जो है गिरावट आ जाए, तो बेटर है कि उस गिरावट का वेट ना करें, वहाँ पे अपने टारगेट को बुक कर लें, या आप चाहे तो सेम इसके सेम सिग्नल को जो है इस हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी है आपको हेल्प करेगी। किसी भी डाउट के लिए नीचे कमेंट करके जो है जरूर पूछिएगा, कोई भी डाउट हो नीचे आप उसको कमेंट करके अपने डाउट को जो है क्लियर कर सकते हैं। स्ट्रेटजी अगर पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।